नमस्कार, मैं सुरेंद्र बोल जनता बोल में आपका स्वागत करता हूं। बोकारो चास के बाद अब चंदन क्यारी में, जहां 2,32,000 वोटर हैं, और हम यहां जानेंगे लोगों से कि यहां इन 4.5 वर्षों में क्या विकास का कार्य हुआ है और क्या नहीं हुआ है। चलिए हम पूछते हैं क्या विकास का कार्य क्या हुआ है इन 4.5 सालों में। सर, इस 4.5 सालों में हमारे चंदन क्यारी में एगो राज्य स्तरीय का इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसमें हमारे जो छुपी हुई प्रतिभा थी आगे आने के लिए हमारे यहाँ पर बीजेपी सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। सांसद महोदय ने क्या किया? सांसद महोदय हमारे यहाँ के लिए आपका शौचालय का व्यवस्था किए हैं, आपका यहाँ पर आपका जो गरीब है उसके लिए लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन, इस सब का व्यवस्था किए हैं। यहाँ स्टेडियम दिया गया है, वृद्धा पेंशन और लाल कार्ड की भी व्यवस्था की गई है, और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम जानेंगे क्या कहेंगे आप, क्या विकास का काम हुआ है। विकास का कार्य तो यहाँ पर मंत्री महोदय के द्वारा काफ़ी किया गया है। जी के द्वारा क्या किया गया है? सांसद जी के द्वारा मुझे जहाँ तक जानकारी है, रोड यहाँ का देहात में जो रोड की स्कीम है उसमें उनका सहभागी बहुत ज़्यादा है, उनका सेंक्शन ऑर्डर बहुत ज़्यादा निकला है, गार्ड वॉल बनवाया गया है, ये सब काम तो उनके द्वारा किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज खुलवाया गया है, और भी बाकी सारी चीज़ें भी काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ भाजपा छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है भाजपा सरकार। और यहाँ पर सांसद महोदय ने क्या काम किया है? रोड का काम हुआ है, उसके बाद पुल का काम हुआ है, बहुत तरह का काम यहाँ पर हुआ है। क्या रोड और पुल का काम के बाद बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुँचा है, पानी के भी बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई है। धरातल जो उतरा है क्या? योजना तो बहुत शुरू हुई है, क्या धरातल को उतरा है? जैसे विद्युत हर घर में पहुंच रही है, पहुंच चुकी भी है, 65 गांव में चंदन क्यारी में बिजली पहुंची है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, और हम सभी इस सरकार से खुश है। 65 गांवों में बिजली पहुंची है, हम और भी लोग हैं उनसे जानेंगे क्या जो 65 गांवों में बिजली पहुंची है, कंटिन्यूस बिजली मिलती है या नहीं मिलती है, कि क्या समस्याएं हैं, क्या बिजली मिलती है? हाँ, 24 घंटा हम लोग का चंदन क्यारी जो क्षेत्र है वहाँ 24 घंटा बिजली मिलता है। पहले खराब था, गाँव का थोड़ा बहुत कटता है लाइन, लेकिन चंदन क्यारी में कंटिन्यू। और सांसद का जो काम बोल रहा है, जो हम लोग का आश्रम है वहाँ एक तो सामुदायिक भवन दिया गया है, रोड दिया गया है, शमशान घाट दिया गया है, सांसद का भी सराहनीय काम है। क्या कहेंगे आप, पानी क्या मिली है? ना, पानी के लिए थोड़ा ये है, पानी का अभी पाइपलाइन फटा है, लेकिन काम जारी है। 10 साल हो गए सांसद महोदय के क्षेत्र में कार्यकाल हो चुका है, पानी की समस्या जो मूलभूत समस्या है, गर्मी का समय आ रहा है, वैसे में कैसे रहेंगे आप लोग? ना, पानी का थोड़ा दिक्कत है, सांसद महोदय से बोला गया है क्योंकि हम ध्यान देंगे। इस्टीमेट पानी का दिक्कत है, सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम पानी भी हर घर पहुंचाएंगे, और भी लोग हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं, और हम उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, जो गरीब बच्चों के शिक्षा के होना थे तो क्या हो पाया है क्या यहाँ पे? शिक्षा का इधर 4 साल में जितना मंत्री जी का प्रयास रहा, उसमें सांसद जी के तरफ से जो सरकारी शिक्षा चल रहा है, जो योजना चल रहा है उस माध्यम से चल रहा है। शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों आंदोलन रहते हैं, क्या कहेंगे? पारा शिक्षक का से सरकार ने तो पहल कर ली है, जितना हुआ संभव सरकार का, उस तरह के सरकार ने पारा शिक्षक से उनके पक्ष में वार्ता किए, और अभी तो शिक्षा सुचारू रूप से यहाँ चल रहा है, वैसा कोई विकल्प। शिक्षा के क्षेत्र में भी सांसद महोदय ने काम किया है, और यहाँ पर जो कि चंदन क्यारी है यहाँ पर किसान भी हैं, हम बात करेंगे कि किसानों के लिए क्या किया उन्होंने, क्या किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए नहर जो गुवाई ब्रिज जो बन रहा है, कितने वर्षों से बन रहा है ये? तो 2-3 वर्ष से शुरू है, काम चल रहा है। नहीं लग रहा है कि काफी देर हो चुका पहले में? हाँ, देर हो चुका है, लेकिन काम अभी पूर्ण होने वाला है, अब काम जारी है। उससे कितना लोगों को फायदा मिलेगा? उस सारे किसान को फायदा मिलेगा, जितना किसान उसमें आ रहा है उस नहर में, अगल बगल सबका उसमें व्यवस्था होगा पानी का। गवाई बराज बन रहा है और बहुत जल्द बन जाएगा, जिससे किसानों को काफी फायदा भी पहुंचेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या समस्या है नहीं है। हम बात कर रहे हैं कुछ युवाओं से कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? यहाँ जो उच्च स्तरीय शिक्षा होनी चाहिए थी, जो लोग बाहर जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? उसके लिए कुछ थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कुछ, मतलब जो बच्चा बाहर जा रहे थे तो कुछ यहाँ भी हो रहा है, जो जा रहे थे उसके लिए कुछ यहाँ हो रहा है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद
बच्चा का बाहर थोड़ा मतलब बाहर मतलब यहाँ थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब जो पहले जा रहे थे उसके लिए थोड़ा बहुत हो रहा है शिक्षा स्तरीय और क्या। चलिए, शिक्षा के लिए जो लोग पहले बाहर जाते थे कुछ लोग रुक रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ पर आपके चंदन क्यारी में, जो कि बाहर लोग रोजगार के लिए जाते हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे रोजगार के क्षेत्र में क्या हुआ है, क्या हुआ है रोजगार के क्षेत्र में। रोजगार के क्षेत्र में जैसे आपके इलेक्ट्रिक स्टील को बंद हो जाने के बाद जैसे मेदांता ने कमर कस लिया है इसको करने के लिए, और हो सके ना हो सके कुछ हमारे स्थानीय प्रतिभाओं का और स्थानीय बच्चों को, जैसे बहुत सारे आईटीआई कॉलेज खुला है तो वहाँ से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करके और सभी ने बेहतर शिक्षा के लिए आगे बढ़ा है। क्या कहना है कि यहाँ पर रोजगार की भी समस्या है लेकिन स्किल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर रोजगार भी दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं, इनकी भी इस बात करें क्या। हमारा चूल्हा कुछ होने का वो एक क्या हुआ, मतलब क्या सांसद जी ने यहाँ काम किया है ना। सांसद माने मतलब समझता नहीं है। हाँ, क्या जो सुविधा आपको मिलना चाहिए था मिला है। नहीं, गैस कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है ना। क्या कहेंगे आप, गैस दे चूल्हा चूल्हा। कुछ लोग ऐसे भी हैं लोग जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, इन्होंने सीधे तौर पे कह रहा है कि मुझे लाभ नहीं मिला है, और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है, जो लोग पलायन कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं, सुबह सुबह आप देखते होंगे साइकिल उठाकर बाहर जाते हैं, वैसे में क्या कहेंगे आप। देखिए यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी का, जो बेरोजगार यहाँ से आज से लगभग 5 साल का 10 साल से बोलते आ रहे हैं पीएम सिंह साहब कि रोजगार यहाँ से हम मुफ्त करा देंगे, लेकिन आज तक रोजगार मुफ्त नहीं करा है। मानपुर में इससे पहले इलेक्शन में वादा किए थे कि हम इलेक्शन में लड़ेंगे और जीतेंगे तो 6 महीने में आपका वहाँ पानी पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि 10 वर्ष उनका कार्यकाल है, 5 वर्ष पहले और 2000 में जीतने के बाद भी यहाँ जो गवाही बराज भी नहीं बन सका है, और जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं जिससे लोग काफी आहत हैं, जिनका इनके एजेंडे में भी था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, क्या कहेंगे ऐसे में आप। नहीं, एजेंडे में इसमें हमको कोई नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि आपका पानी का। आज तक चंदन क्यारी में लगभग 4 साल से पानी नहीं मिल रहा है, और यहाँ अभी थोड़ा देर आप रुक जाइए, यहाँ पर जाम लगा हुआ रहेगा चंदन क्यारी मोड़ में, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। चंदन क्यारी में पानी और बेरोजगारी की समस्या है, और अभी अभी आप पता चला है कि जैसे जाम लगने के बाद भी कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारे साथ कुछ जुड़े लोग जुड़े हुए, क्या कहेंगे जाम के बारे में, क्या कहना है। जाम तो ये बाईपास का काम चालू हो गई है, ये हम लोग चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी ने बाईपास का काम चालू कर दिया है, ये काम बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है और बहुत ही जल्द हम लोग सही है कि ये काम जल्द हो जाने से बाईपास में गाड़ी चलेगी, तो ये हम लोग उम्मीद है कि बाईपास इस रोड में जाम नहीं लगेगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत देर हो चुका, पहले करना चाहिए था मंत्री महोदय के ये काम। नहीं, मंत्री जी ने तो बहुत देर से लगे हुए थे, इससे पहले भी लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग का मंत्री जी से बहुत ही आशा है कि काम तो चालू हो गया है, मंत्री जी भी चाह रहे हैं कि जितना जल्द काम हो जाए। सांसद महोदय ने क्या किया। सांसद महोदय ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा रोड सड़क जो है, थोड़ा पानी के काम तो चल रही है लेकिन अभी तक व्यवस्था चल ही रहा है। सांसद जी महोदय, सांसद कौन है बताइए तो। पीएन सिंह। क्या आपने कितनी बार देखा आपने क्षेत्र में। क्षेत्र में तो एक या दो बार देखे हैं। एक ही दो बार देखे हैं। क्या विकास कर पाए हैं आपके क्षेत्र का, जिस तरह से चंदन क्यारी का विकास होना चाहिए था, क्या हुआ है। हुआ है थोड़ा बहुत विकास। तो थोड़ा बहुत विकास होने से क्या समाज सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं, हमारे मंत्री जी चौहों के विकास किए हैं। सांसद जी की हम बात करें तो हाँ, सांसद जी विकास थोड़ा बहुत किए। सांसद जी विकास थोड़ा बहुत किए हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे आप। जो विकास करना था आप आइए ना। काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, जाम की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की भी, और अगर हम बेरोजगारी की भी बात करें तो बहुत यहाँ पर समस्या है, चूँकि यहाँ से काफ़ी लोग पलायन करते हैं, सुबह सुबह साइकिल लेकर दूसरे जगह जाते हैं रोजगार के लिए, ऐसे में क्या कहेंगे आप, ये कितनी बड़ी समस्या मान रहे हैं आप। जाम की समस्या सबसे पहले आपने जो बोला जी। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए माननीय मंत्री माननीय सांसद महोदय द्वारा जो पहल किया गया बाईपास सड़क का निर्माण के लिए, उसका काम अभी प्रगति पर है, चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि काफी देर हो चुका है, 10 साल मंत्री कार्यकाल है इनका। अब क्या बोलते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उसको मुकाम तक पहुँचकर मंजिल तक पहुँचाने के लिए समय की तो जरूरत होता है। अब आप आज ही बोलिएगा आज ये काम की जरूरत है। आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं अपने क्षेत्र में। रोजगार के क्षेत्र में क्या किया। रोजगार के क्षेत्र में बगल में इलेक्ट्रो स्टील का निर्माण है, जो इलेक्ट्रो स्टील का निर्माण किया गया था तो उसको बंद भी कर दिया गया, मैदानता ने उसको लिया है। ऐसे में उसमें हजारों युवक हमारे चंदन क्यारी से वहाँ जाते हैं अपना रोजगार करने के लिए।
एक रोजगार के सृजन का अवसर हुआ है चंदन क्यारी में। बेरोजगारी ऐसे क्या बोलते हैं, बोल देने से ही नहीं होगा, बेरोजगारी दूर करना आसान। इस बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए सांसद ने क्या काम किया? ये सांसद महोदय ने बहुत अपना रोजगार केंद्र सरकार द्वारा जितना करना चाहिए उतना किया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस सरकार में जितने बेरोजगार हुए हैं और किसी सरकार में नहीं हुआ है, चाहे वो आप केंद्र में ले लीजिए या कहीं पर भी, जिस तरह इस सरकार में कैसे बेरोजगार हो गए, जैसे तरह से प्राइवेटीकरण को हटाया गया, जितने भी लोग हटाए जा रहे हैं बैंक हो या कुछ भी हो, तो क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं नहीं, इसमें तो रोजगार सृजन तो सरकार द्वारा किया गया है चारों तरफ से, निजीकरण के माध्यम से ही क्यों ना हो, लेकिन रोजगार तो हो रहा है। चलिए, इनका कहना है कि यहाँ रोजगार के भी अवसर प्राप्त हुए हैं और रोजगार भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम बोलते हैं कि यहाँ का लड़का तो आधा लड़का तो बाहर में काम करता है, सब बम्बई और गुजरात चेन्नई, तो यहाँ विकास का हुआ है? यहाँ स्टील प्लांट में तो हमारा यहाँ का क्षेत्र का लेबारे नहीं किया जाता है, मजदूरी काटने में यहाँ तो होवे नहीं किया है, सब बंगाल का और बिहार का ही है। तो क्या सांसद जी कुछ नहीं कर पाए इस क्षेत्र में रोजगार के नाम पे? हम तो नहीं कुछ देख पा रहे हैं, हम लोग का जो सेकेंड लिस्ट में जो हमारा पंचायत का इंदिरा आवास आने वाला है वो भी नहीं आया हम लोगों का, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ का विकास खाली कोटार में चावल मिलता है, गरीब लोग ही खा करके दम दम रहता है। रोड बना है यहाँ, पुल बना है, यही सब विकास हुआ है, और बिजली बना है। कितनी बार देखे हैं आपने? हम कितनी बार देखे उतना याद नहीं है, हमारे शिक्षित नहीं है। तो इनका कहना है कि बेरोजगार है, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, और जहाँ यहाँ इलेक्ट्रो स्टील में रोजगार की बात करते हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं दिया गया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे क्या रोजगार का क्षेत्र में क्या है। इधर आइए जी, क्या है रोजगार के क्षेत्र में? देखिए, रोजगार हो या शिक्षा हो या सड़क हो या पानी हो, सबसे तो महत्वपूर्ण है कि हम लोग सुरक्षित कैसे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया है, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। इस तरह का सुरक्षा का बात कर रहे हैं? देखिए, देश में किसी भी सुरक्षा हो, आर्थिक स्थिति हो, जिस सांसद जी ने क्या किया उस पर बात कर रहे हैं। सांसद जी में देखिए, पहले भी 70 साल बेरोजगार था, अभी भी है, लेकिन पहल उसका हो रहा है। तो कब तक ये पहल हो जाएगा? होते रहेगा, 5 साल में यहाँ बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी यदि आ गई यहाँ पर 5 साल में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, इनका कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर पीएन सिंह का कार्यकाल है और लोग यहाँ बेरोजगार हैं, जैसा कि लोग कर रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ के युवकों के लिए कोई भी अच्छा स्कूल या कॉलेज नहीं खुला हुआ है। बोल जनता बोल में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको फिर से रूबरू कराएंगे इन लोगों से और जानेंगे क्या विकास हुआ चंदन क्यारी में। बोल जनता बोल में ब्रेक के बाद स्वागत है। हम इस वक्त चंदन क्यारी चौक पर हैं, जहां लोगों से स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पे बात किए हैं। फिर से हम स्वास्थ्य की ओर जाएंगे और जानेंगे कि चंदन क्यारी में जो पीएन सिंह है, लोकसभा से जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में यहां पर अपना कार्यकाल किया, क्या किए हैं और नहीं किया, शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम लोग का हॉस्पिटल खुल रहा है, सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी 1 महीना के अंदर चालू हो जाएगा। नहीं लग रहा है कि इसे पहले खुलना चाहिए था, काफी देर तो इधर लगना चाहिए था। उस समय हम लोग का सरकार नहीं था, मोदी का सरकार नहीं था, इस साल मोदी का सरकार आया। केंद्र में क्या क्या सुविधाएं होंगी? हर तरह की सुविधाएं होंगी, जैसे बेड है वहाँ के लिए, डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे, दवाई भी उपलब्ध होगी, इसलिए 24 घंटा वहाँ पर जो है सेवा उपलब्ध होगी। अभी आयुष्मान भारत मिला है, क्या यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है? एकदम मिल पा रहा है। कहाँ इलाज के लिए जा रहे हैं वो? इलाज के लिए जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे जा रहे हैं और इसका लाभ जनता खुद ले रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से वहाँ जाने में काफी देर हो जाता है, काफी दूरी तय करनी पड़ती है, यहाँ होता तो नहीं? अभी तक इस तरह की समस्या तो नहीं आई है। यहाँ 108 के, हाँ यहाँ होता तो और अच्छा होता, इसलिए यहाँ बन भी रहा है, जो हमको लग रहा है 1 महीना में शुरू भी हो जाएगी। 1 महीना में यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनकर शुरू हो जाएगा। फिर से हम चलेंगे यहाँ के जो पलायन कर रहे हैं लोग, बेरोजगारी की बात, जो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, उस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे बेरोजगारी पर आप? बेरोजगारी पर अभी देखिए, जो इलेक्ट्रो स्टील था आपका, उसके जगह वेदांता को लाया गया है, वो अभी अपना प्रोसेस विधि में है, उसी के तहत
अब वो जब पूरा काम करने लगेगी यहाँ की बेरोजगारों के लिए, वहाँ पर स्कोप बनेगा, जगह बनते रहेगा। लेकिन आप ही के चंदन क्यारी के लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी बेरोजगार मिले हैं हमारे क्षेत्र से बहुत कम लिया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, हमारे क्षेत्र से लिया जा रहा था लेकिन कुछ बिचौलियों के चलते यही सब हुआ, वहाँ के कुछ दलाल लोग जैसे है। किस सांसद महोदय ने इसमें कोई पहल नहीं की? सांसद महोदय ने पहल किए हैं, इसी के चलते सर इलेक्ट्रोस्टील के बदले आपका वेदांत आया यहाँ पर, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टील में इतना दलाल घुस गया था कि यहाँ की जनता को बाहर जाना पड़ रहा था। इलेक्ट्रो स्टील में काफ़ी दलाल घुस गए थे और अब मैदानता से आने के बाद इनको रोजगार मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं है, क्या कहेंगे आप? हम ठेला वाले हैं, हमको मजदूर नहीं मिल रहा, हम लोग के घर में पानी नहीं है, बिजली पानी क्या नहीं है? पानी नहीं, उसका जो पानी टैंकर बना हुआ है मेरा गांव में पानी नहीं घुसा हुआ अभी तक। कहाँ के आप रहने वाले? चंदन क्यारी के आदमी हम। कहाँ पे? चंदन क्यारी में पूर्वी, पूर्वी बागन टोला पूर्वी। क्या लग रहा है सांसद जी आपके गांव का विकास नहीं किया है? ना, विकास नहीं किया। कितने बार सांसद को देखे हैं आप? सांसद नहीं किया, सांसद को देखे हैं आप? कौन है सांसद आपका? सांसद है पीएन सिंह। कितना बार देखे हैं? पशुपतनाथ सिंह जी। क्षेत्र में कितना बार देखे हैं? लेकिन पानी बाजार में पानी यहीं पर है पानी, लेकिन मेरा गाँव में पानी अभी तक नहीं घुसा है। बिजली? बिजली घुसा है, पानी नहीं, नहीं टैंकर भी नहीं मिला, हमको मिला टंकी नहीं मिला। हम लोग का कैसे रहिएगा? कैसे रहेंगे ऐसे ही, जैसे हम लोग का पंखा है ना, इसीलिए वो जो तो पानी की समस्या है इनके क्षेत्र में। और इनका कहना है कि सांसद महोदय ने हमारे क्षेत्र में पानी का यहाँ पर होते हुए भी हमें नहीं दिया है। यहाँ पे विकास का क्षेत्र में बहुत कमी है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, समस्या तो बहुत सारा है। यहाँ पे मुख्य समस्या मतलब सोलर लाइट लगा है, रात को जलता नहीं है, अंधेरे में रहते हैं यहाँ पे सब आदमी। लेकिन यहाँ पे बिजली है चौबीसों घंटा, बिजली 24 घंटा बिजली है, लेकिन सोलर का कोई व्यवस्था नहीं है, सोलर का कोई व्यवस्था नहीं, रात को तो अंधेरा रहता है। बोलिए, इसमें तो चंदन क्यारी में हम लोग का अभी तो 24 घंटा बिजली मिल रहे हैं, लेकिन रहा बात जो सांसद महोदय का, तो इसमें उम्र भी हो चुका है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि उसमें नया कैंडिडेट भी आना चाहिए। अब आप मान रहे हैं कि मतलब सांसद महोदय का उम्र हो चुका है, नया कैंडिडेट आना चाहिए? जो विकास की बात करते हैं सांसद जी, क्या विकास कर पाए हैं चंदन क्यारी का? देखिए, विकास में तो ये राज्य सरकार का, हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं कि राज्य सरकार में हर अपना दायित्व हर किसी का होता है, विधायक हो सांसद हो, तो सांसद अब इसमें सांसद महोदय का, हम लोग का रोड तो हम लोग राज्य सरकार से ही सुन रहे हैं कि कम से कम रोड बन रहा है, लाइट का जो काम हो रहा है कम से, अब सांसद महोदय का बात है तो अब वो संसद में उठाए कि यहाँ के बेरोजगारी क्या है, इसमें बेरोजगार क्या, हम लोग का स्तर जो है उसमें, इसमें आपका उद्योग लगना चाहिए। अब चंदन क्यारी में तो कुछ है नहीं, चंदन क्यारी में कुछ है नहीं, उद्योग लगना चाहिए और सांसद महोदय को बदल कर दूसरा कैंडिडेट देना चाहिए, ऐसे चंदन क्यारी का लोगों का कहना है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं और क्या विकास हुआ है, क्या विकास हुआ चंदन क्यारी का? विकास तो चल रहा है, ऐसा बात नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, चल रहा है, लेकिन सही मायने से विकास के लिए जनता से ही पूछ के विकास होना चाहिए, ताकि जनता अपना मार्ग खुद ढूंढे। और क्या विकास होना चाहिए जो चंदन क्यारी में नहीं हुआ है? शिक्षा में होना चाहिए, और उसको जो आपको रोजगार के लिए जो एक ठो ITI का व्यवस्था सही, बाहर जाना पड़ता है, ITI कुछ व्यवस्था सही नहीं है, जो ट्रेनिंग प्राप्त करके वो अपना रोजगार का रास्ता से जुड़े, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। जो हमारे यहाँ पर पॉलिटेक्निक है, महिला पॉलिटेक्निक, ये भी बंद है, समरेश सिंह जी बनाए थे वो बंद कर दिए हैं, तो वो कहे पहल करके स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की, कहाँ किए हैं तब तो बंद कैसे है पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक यहाँ पर बंद है, क्यों है? यहाँ पर महिला पॉलिटेक्निक भी बंद है, यहाँ ITI होना चाहिए, और भी जो भी है बंद है उनको चालू करवाना चाहिए था। अब एक चीज बताइए कि जिस तरह से यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या, रोज सुबह आप देखते होंगे सैकड़ों साइकिल से लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, इस क्षेत्र में क्या किया सांसद जी ने? इस क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं, इसका मतलब है विकास नहीं हुआ है, रोजगार का रास्ता सही नहीं मिला है, तो क्या कहेंगे आप? हम रोजगार का रास्ता मिलना चाहिए, बेरोजगारी हम नहीं देखना चाहते हैं कि हमारा एरिया में विधायक, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन करके और जो मंत्री बन करके हमारे रोजगार बेरोजगार लड़का लोग बाहर जाएंगे काम खोजने के लिए, ये हमारी शर्म की बात है। यहाँ के लोग पलायन से भी लोग काफ़ी नाखुश हैं, और इनका साफ कहना है कि हमारे क्षेत्र के लोग पलायन कर कहीं बाहर जाए वो हमें पसंद नहीं है, हम इससे काफ़ी नाखुश हैं। नहीं उनसे कि क्या इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, वो हो पाया है नहीं हो पाया है? स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मिल पाया है कोई भी हॉस्पिटल या कुछ अभी तक?
मेरे ख्याल से ऐसा संपूर्ण 100% सुरक्षित अभी तक नहीं मिला है स्वास्थ्य की दिशा में। और यहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी जो है वो क्या लग रहा है, पूरी तरह से ख़त्म हो गई है क्या? जी नहीं, पलायन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है। क्या तो सांसद महोदय इस क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े या रोजगार मिले, ऐसा कुछ? देखिए, हम लोग चांस तो उन लोग को उनको दिए थे और आगे भी देने का प्रयास है, और हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के माध्यम से विकास हो। इनका कहना है कि इनको हम लोगों ने चांस दिया था लेकिन विकास उस तरह से नहीं हुआ है, फिर देने की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम जानेंगे क्या कहना है आपका, विकास हुआ है चंदन क्यारी का? देखिए सर, मान लीजिए पीएन सिंह के बारे में हम लोग का जो ये है उसके बारे में आपको आप बोल रहे हैं, तो 10 साल से हमारा यहाँ का वो MP है। क्या विकास किए हैं वो बताइए? कुछ नहीं। क्या होना चाहिए था विकास के नाम पे? क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो होना चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्र में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को ले जा रहा है वहाँ पर उसको लिख दिया कि उसको जब पेट का ई करना होगा, फोटो करना होगा, कहाँ ले जाएगा? उसका पास अगर पैसा ही रहता तो क्या आयुष्मान भारत का योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे आप लोग, जो गोल्डन कार्ड बनाया गया? अभी हो रहा है, अभी होगा। तो अभी बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है विकास? नहीं, अभी हो रहा है, नहीं पहले तो नहीं हुआ। बिजली और पानी की क्या सुविधा? बिजली पानी ठीक है। चलिए, बिजली और पानी की सुविधा ठीक है। हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी है, उनसे भी हम जानेंगे क्या हमारा गरीब लोग हमारा की बोलते पर हमारा बांग्ला बोलते पर वो हाँ तो बांग्ला बोलती गोरियार गोरियार हमारे को हमारे गरीब लोग हमारा खाटे खाई हमारा दो जना हाथ भागे कौन बसे आछी हमारे खबर दीवार लोग ना छेला छिलु आछे छेला छिलु अपना भिनु खाई बुझते बोल ले। इनका कहना है कि इनके पास बच्चे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की आवश्यकता है। और अभी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हमला जो सांसद महोदय है पीएन सिंह चंदनगिरी का भी देखभे नहीं करते हैं, क्या गुस्सा है उनका हम लोग को मालूम ही नहीं, जबकि हम लोग वोट देते हैं और बोल रहे हैं बिजली का व्यवस्था हम लोग का अमर बारी के द्वारा ठीक हुआ है लेकिन पानी का ने क्या किया वो बताएं। सांसद जी कभी आते ही नहीं है, दौरा ही नहीं कभी किए हैं। तो क्या ये जो इनका दो कार्यकाल रहा है 2014 में भी जीते, 2009 में भी जीते हैं, तो क्या इन 10 वर्षों में यहाँ क्या किए हैं? चंदन क्यारी के जनता के लिए कुछ नहीं किए। क्या विकास की जो बात करते हैं? कुछ नहीं विकास किए, कभी आते तक नहीं है कभी। क्या माने की विकास पेपर पे रही है? हाँ, विकास पेपर पे रही है। तो क्या करेंगे इस बार? नहीं वोट देंगे उनको। काफी नाखुश लोग दिख रहे हैं यहाँ सांसद जी का। इनका कहना है कि सांसद जी कई बार यहाँ आए हैं लेकिन आते हैं लेकिन कुछ विकास नहीं किया, हमने तो देखा भी नहीं है। आइए, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, क्या ना क्या कहेंगे आप? चंदन के ना कोई विकास नहीं किया अभी तक। सांसद कौन है? पशुपत सिंह। कितना बार देखे हैं? बहुत, इलेक्शन के टाइम आते हैं और उसके बाद नहीं आते हैं। तो क्या विकास क्या होना चाहिए था? यहाँ पानी का समस्या है, 10 साल से चुनाव जीते अभी तक उनका विकास का काम नहीं किया। और रोजगार के क्षेत्र में? रोजगार तो अपना कर रहे हैं, आदमी जैसा चाहेगा वो रोजगार अपना करेगा। उनके तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा? उनका तरफ से कोई पहल क्या होना चाहिए था? उनके तरफ से क्या पहल करेंगे, वो रोजगार सबको थोड़ा दे पाएंगे। 10 साल जीते हुए हो गया है, यहाँ पर पानी और बिजली की समस्या है, सबसे बड़ा पानी का समस्या है, लेकिन यहाँ लोग काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं, कहते हैं सिर्फ वोट मांगने के समय में दिखते हैं और वैसे कहीं नहीं दिखते हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, अगर डिलीवरी करवाना हो तो नॉर्मल होता है तो यहाँ करते हैं, अगर ऑपरेशन करना होता है तो बाहर भेजते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या यहाँ चंदन क्यारी में क्या विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? विकास क्या हुआ सर, हम लोग को तो गरीब आदमी है, हम लोग को तो कोई देखभो नहीं करता है। यहाँ डॉक्टर चलते अभी हमारा है कम से कम 80-1 लाख रुपया खर्चा हो चुका है मेरा लड़का के चलते, अभी तक मेरा लड़का ठीक नहीं हुआ। क्या गोल्डन कार्ड का सुविधा नहीं मिला? गोल्डन कार्ड वहाँ बोलते हैं, मेरा यहाँ पर गोल्डन कार्ड नहीं है। कहाँ गए थे कि गोल्डन कार्ड नहीं मिला? KM मेमोरियल में, केवल मेमोरियल बोलते गोल्डन कार्ड यहाँ पर नहीं है। विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र? नहीं, इसमें पैसा मेरे पास नहीं है जो लड़का का सुधार करे कुछ। गोल्डन कार्ड भी है इनके पास लेकिन उसका भी लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है, ऐसा इनका कहना है। और क्षेत्र में तो विकास हुआ ही नहीं है, क्या कहें? क्या बोल रहे हैं क्षेत्र में विकास? देखिए चकाचक है चंदन क्यारी, विकास में क्या पूरा विकास हुआ है? देखिए पहले डॉक्टर नहीं रहता था हॉस्पिटल में, डॉक्टर है अभी आप ही को लोग कीचड़ में पहले घूमते थे हम लोग चंदन क्यारी रहते थे, पूरा कीचड़ में गिरे। देखे
अभी जगह जगह आके जैसे बोकारो जैसा लाइट है, देखिए रोड चकाचक है, समस्या भी काफी आपके। हाँ, ये मतलब एक तो समस्या है जाम का, पानी की भी समस्या है, पानी का कोई समस्या नहीं। जितने भी लोगों से भी हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि पानी की समस्या का आज हमारा 5 साल में जो विकास हुआ है ना, वो 70 साल में नहीं। चलिए, इनका कहना है कि सांसद जी के द्वारा ही हुआ है और ये कार्यकाल उन्हीं का है, क्या कहेंगे? अभी तक ये आपका पुल जो बना है, आपका चंदन क्यारी पुरुलिया रोड, ये पुल आज से 5 साल पहले बना हुआ है आपका, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात है, 5 साल पहले, इससे पहले जो यहाँ के विधायक थे उमाकांत रजक जी, वो सदर अस्पताल बनाए हुए हैं, वो अभी तक अभी डॉक्टर नहीं पहुँचे हैं। तो जो यहाँ चंदन क्यारी से पुरुलिया को जोड़ने वाला पुल है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, और जो पूर्व में यहाँ अस्पताल बना था, वहाँ पर अभी तक डॉक्टर नहीं पहुँचे हैं। अगर हम विकास की बात करें तो कोसों दूर है चंदन क्यारी। लोग भले ही कुछ कहें, लेकिन जिस तरह से लोगों का भाव और स्वभाव देखा जा रहा है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या कुछ भी हो, उसमें विकास नहीं हुआ है। ऐसे में तो कई लोगों ने कहा कि हमने सांसद को भी नहीं देखा है, और सांसद काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें बदल देना चाहिए। बोल जनता बोल के लिए मैं सुरेंद्र, न्यूज 11 के लिए सहयोगी अजीत के साथ।